हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में आज फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर ये स्टॉक आपके पास है तो आप कहीं राखपति से खाकपति तो नहीं बनने वाले हैं, या फिर कहीं राजा से रंक तो नहीं बनने वाले हैं, यस बैंक और DHFL वाला हाल तो नहीं होने वाला है, या फिर रिलायंस और SBI जैसा वो स्टॉक तो नहीं है। बहुत ही सस्पेंस वाला स्टॉक है, फंडामेंटल ऐसा जो सर घुमा देगा आपका, पकड़ से बाहर। जी हाँ, कहां से आया पैसा, कहां को गया, पी इतना हाई है फिर भी बढ़ता गया, क्या खतरनाक स्टॉक है फ्रेंड। लास्ट तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। एक ऐसा स्टॉक फ्रेंड जो फाइनेंशियली काफी साउंड दिखता है, सुनने में काफी अच्छा लगता है, एक ऐसा स्टॉक जो काफी चर्चा में है, काफी दिनों से ट्रेडिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, 2 साल पहले काफी चर्चा में था रिलायंस के कारण। रिलायंस और उस कंपनी का एक गठबंधन हुआ। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, पीरामल एंटरप्राइज। बिल्कुल सही, पीरामल एंटरप्राइज। पीरामल एक ऐसा कंपनी है जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करता जा रहा है, ताकि जो इन्वेस्टर है उनका लॉस या उनका रिस्क, सही मायने में बोले तो उनका रिस्क कम हो। लेकिन वो रिस्क बचाते बचाते कहीं आपको बहुत रिस्क में तो नहीं डाल रहा? जी हाँ, अगर आपको बहुत रिस्क में डाल रहा है तो आपको उससे बचने की जरूरत है। कैसे बचेंगे? आपके पास स्टॉक है तो उसको निकालना सही भी है या गलत? हमारे चैनल पे टेक्निकल बहुत देखा, चलिए आज फंडामेंटल भी देखते हैं। फंडामेंटल ज्यादा, टेक्निकल कम, क्योंकि अगर आप उस स्टॉक को 20 साल के लिए सोचकर इन्वेस्ट किया है आपने, तो आपको वो स्टॉक अगले 5 साल या 2 साल भी रखना जायज भी है या नहीं? जी हाँ फ्रेंड, वो स्टॉक जो है वो पीरामल काफी चर्चा में रहा है बहुत दिनों से। एंड अगर वो आपके पास स्टॉक है फ्रेंड, तो बी केयरफुल, क्योंकि आज सब चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का एनालिसिस और जानते हैं पीरामल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, पीरामल एंटरप्राइज, ये देखिए आपके सामने मैं लेकर के हाजिर हूं पीरामल का पूरा चिट्ठा, हर चीज। ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे मल्टीबैगर बताए, लेकिन मेरा काम यह भी है कि एक ऐसा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो को बेकार कर सकता है उसे भी आप तक पहुंचाना, डिसाइड करना आपका काम है कि ये आपके पोर्टफोलियो को बेकार कर रहा है, या आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को कम कर रहा है, या फिर आपको एक मल्टीबैगर की तरफ लेकर के जा रहा है। पीरामल एंटरप्राइज, सबसे पहले गौर करें इसके मार्केट कैप पे, तो हम क्या देखते हैं फ्रेंड, 63,000 करोड़, काफी इंप्रेसिव, 63,000 करोड़। दूसरे तरफ अगर पी का बात करें तो भैया डर लगता है, 50 का पी है, कैसे बाय कर ले इसे? क्यों क्यों नहीं बाय कर सकते? अगर डेट फ्री कंपनी है बाय करेंगे भाई, ठीक है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, बिजनेस कंसंट्रेटेड है, बाय करेंगे भाई। प्रमोटर है इसमें, अगर भरोसा करता है तो भी बाय करेंगे भाई। अगर ये सब मेट करता है तो चलो 50 का पी भी सहने के लिए तैयार है, क्योंकि फ्यूचर में इसका बिजनेस अच्छा होगा तो डेफिनेटली रिटर्न अच्छा मिलेगा। क्यों एशियन पेंट का 150 PE होने के बाद भी लोग उसको बाई करते जाते हैं? कंपेयर कर सकते हैं इसे एशियन पेंट से या नहीं, आगे अभी देखेंगे। ठीक है, यहां गौर करें तो ये डबल। रोज गौर करते हैं फ्रेंड, 10% गौर करते जाना अभी। ईपीएस 50 यहां पे देखे तो अगर हमें सिर्फ पी देख करके बाई करना हो तो ना भाई ना, ओवरवैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, अगर रोज देख करके बाई करना पड़े तो भाई ना बहुत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेल्स ग्रोथ पे नजर डालते हैं, 2% -2%, ओके। और आगे चलते हैं, ठीक है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग,
भैया प्रमोटर होल्डिंग भी इसका खुद का भरोसा नहीं है, प्रमोटर का कंपनी खाक ऊपर जाएगी। ये देखो -7.79, मतलब पिछले 3 साल में इसके 8% प्रमोटर निकल चुके हैं इस कंपनी से। अभी और भी देखना बाकी है, लास्ट तक देखना वीडियो। अगर आप फंस चुके हो तो कैसे बाहर निकलोगे ये भी आपको जानना जरूरी है। आगे चलते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि इसके डेट के बारे में आइए बात करते हैं। पिछला में जो वीडियो मैंने बनाया उसमें कॉन्स में भैया कुछ था ही नहीं, क्या था? प्रोन्स में। यहां पे क्या है, 1 and 2 and there's 3। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड। डिविडेंड दे रहा है कितना भाई, 450% का। उसके बाद कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ 10 साल में 24% का है। ठीक है, यहां पे आते हैं, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लो रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड प्रमोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रमोटर छोड़ करके जा रहा है इसे। क्यों भाई, इतनी अच्छी कंपनी है फिर प्रमोटर को ही भरोसा नहीं है इस कंपनी पे? प्रमोटर को ही नहीं लग रहा कि कंपनी से मुझे ग्रोथ भी आएगा? चलिए और आगे चल के देखते हैं और आते हैं फ्रेंड, इसके बाद चलते हैं कंपनी के रोस पे के बारे में बात करते हैं। कंपनी का रोस क्या कहता है, कंपनी का रोस क्या कहता है ये देखते हैं। रोज रोज बाई करने के लिए बोलता है या दूर से प्रणाम करने के लिए बोलता है, ये है इसके पास रोस। कंपनी का रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता है, 2010 जब सारा दुनिया मंदी के मार से बाहर निकल रहा था तो क्या रिटर्न दिया इसने, 25% का। ठीक है, उसके बाद क्या हाल हुआ, 5, अचानक से इतना गिरावट कैसे, 2, 3, 4, 8, 9। आप ये देख सकते हो कि कभी इसने 10% से रिटर्न ज्यादा दिया क्या 10 साल में, नहीं। अब भी इसने जब पूरा मार्केट बूम पे है तो 11% का रिटर्न दिया, क्या कारण है इसके पीछे, एक बार प्रमोटर पे भी नजर डालें। इससे हमें यह पता चलता है फ्रेंड कि इसने, इस कंपनी ने, अगर आप इस कंपनी में पैसे अपने लगाते हो तो आप ईयरली 10% ले सकते हो अभी तक जो इसका रिटर्न रहा है, वरना आपको 3-4% भी मिल सकता है। इससे अच्छा है लिक्विड में फंड में लगा दो। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर भैया जी क्या बोलते हैं। प्रमोटर जी सही सलामत है कि प्रमोटर भी निकल रहे हैं? अब आप यहां पे देखो प्रमोटर का हाल, एक साल दो साल पहले, मान लो मोटा मोटी 2 साल पहले था इनका 50% लगभग, ओके, कम हुआ 46, कम हुआ 43 एंड 43, मतलब 2 साल में 7.5% प्रमोटर छोड़ के निकल चुके कंपनी, कंपनी में दम नहीं, चलो भैया अपना शेयर बेचो और निकलो। ठीक है, ये और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या है खास इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें DII की तो भाई DII ने अपना प्रमोटर होल्डिंग भी कम किया है। FII का बात करें तो 0.5% से इसने अपना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाया है, ओके, वो बात है दिसंबर 2001 की, अभी मार्च का डेटा नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे कि पब्लिक होल्डिंग ऑलरेडी बहुत कम है और ये चीज प्रमोटर के पास भी नहीं है, तो FII DII मेनली किन के पास है, DII के पास, और DII के इन पे भरोसा है, ओके। भरोसा कैसे है, DII तो पता है कि भैया ग्रोथ हो रहा है शेयर का, बढ़ते चलो नहीं तो डाउन आ जाओ, बात खत्म। ठीक है, जब FII बेचना शुरू करेगा तब अंदाजा लगा सकते हो आप कि ये जो खराब सा फंडामेंटल है इसका क्या राज है, इसका शेयर प्राइस आखिर क्या होना चाहिए। अभी चार्ट पे भी आएंगे और इसके डेट पे भी बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब थोड़ा बहुत इसके डेट को समझते हैं कि भाई जो इसका डेट है वो आखिर कह क्या रहा है हमें। तो चलिए भैया यहां पे आते हैं और देखते हैं लाइबिलिटीज। यहां पे जो इनका बोरोइंग का सेक्शन है भैया, ये आप देखते जाओ, 1200 करोड़ थोड़ा सा कम हुआ मार्च 2011, फिर 2007, 2009, 2007, 2016, और ग्राफ आज ये हाल है कि 62,000 करोड़ का इनके पास बोरोइंग है।
चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने 34,700 रिजर्व में भी रखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो बोरोइंग देखा जाए वो इनके पास कितना है, 62,000 करोड़। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि इनका मार्केट कैप क्या है, तो गौर कीजिएगा इनके मार्केट कैप पे, इनका मार्केट कैप ही है 63,000 करोड़ और बोरोइंग है 62,000 करोड़। अब बताओ, बैलेंस शीट डिटेल में पढ़ना आप, वो भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। इनका कहानी मैं आपको एक बार समझाता हूं। इनके पास है 62,000 करोड़ का डेट, अगर इनका रिजर्व फंड को हटा दे तो 62,000 करोड़ का इनके पास है लाइबिलिटी, इनके पास है बोरोइंग, ठीक है। अब ये इस चक्कर में है कि भैया रिलायंस इतना ज़्यादा डेट में होने के बाद रिलायंस डेट फ्री हो गया, तो वो अपने रणनीति बना करके डेट फ्री हुआ, तो इन महाशय को भी डेट फ्री होना था। अब इनको डेट फ्री होना था तो अभी कैसे डेट फ्री हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया कर्जा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया कर्जा। अब वो देखते हैं कि यहाँ पे कर्ज कहाँ से हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए यहां पे इनका कर्ज कहां से हो रहा है, ये देखिए, ठीक है, यहां पे इनका कर्ज यहां पे शुरू सो हो रहा है 23,000 करोड़। गॉट इट, 23,000 करोड़ का इन्होंने अपना बोरोइंग बढ़ाया, 23,000 करोड़ का इन्होंने अपना बोरोइंग बढ़ाया। अब बोरोइंग जो बढ़ाया, तो या तो वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में यूज किए हो, या फिर ये अपने एसेट को बढ़ाने में यूज किए हो। दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि इन्होंने अपना बोरोइंग भी बढ़ाया और अपना एसेट भी बेचा। आइए इसके बारे में भी जाने कि भाई अब ये चल क्या रहा है, ठीक है। यहां पे आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब ने यहां पे अपना एसेट भी बेचा, ठीक है, अदर एसेट आइटम्स में से इन्होंने अपना एसेट भी निकाल दिया। एसेट कितना निकाल दिया, एसेट निकाल दिया 23,000 करोड़। मतलब 21,000 करोड़ वहां से निकाला और 23 लोन बोरोइंग किया 21,000 करोड़, ताकि अपने कंपनी को ग्रो कर सके। गुड, ताकि अपने कंपनी को ग्रो करें या फिर उनके लिए एसेट बाय करें। लेकिन यहां तो उल्टा एसेट निकाला भी गया है। अब इनके पास हो गया 46,000 करोड़, ओके, अप्रोक्सीमेटली माने। तो अभी तक हमने क्या देखा फ्रेंड इसमें, कि इसने अब बोरोइंग भी किया और एसेट भी निकाला, ओके। अब ये कंपनी अभी तक डेट फ्री हुआ भी नहीं है, ये कंपनी अभी तक डेट फ्री भी नहीं हुआ है, डेट भी अभी इसके पास भरा पड़ा है और बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, ठीक है। कितना भरा पड़ा है, लगभग अभी इसके पास, अगर ये लोन लेकर के या फिर एसेट बेच करके भी माने कि लोन को चुकता किया होगा, तब भी इसके पास 35,000 करोड़ का लोन डेट बचा हुआ है। और अभी चल रहा है भैया पैनेडेमिक, तो अब करे भी तो क्या करे, कोई उपाय नहीं है। इतना कंफ्यूजन, इतना मत्था पच्ची, प्रमोटर छोड़ के जा रहा है, P49 है, नरोस है, आप क्यों इन्वेस्ट करोगे इसमें, क्या अच्छा देख लिया, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब आपको डिसाइड करना है, आपका पैसा है, आपको अपने पैसा से वैल्यू क्रिएट करना है। मेरे बात पे भरोसा है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप खुद से एक बार आओ, कंपनी का बैलेंस चेक करो, कंपनी के बारे में जानो, ठीक है। आइए चलते हैं, अब कंपनी का एक बार ओवरव्यू देखते हैं। भाई साहब ने तीन तीन ग्रुप खोल करके रखे हैं, पिरामल इंटरप्राइज, पिरामल रियलिटी, पिरामल फाउंडेशन। ये इंटरप्राइज के अंदर है फार्मा, ठीक है, पिरामल इंटरप्राइज, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियलिटी, रियलिटी के अंदर चार कंपनी। एंड ये भाई साहब फाउंडेशन भी चला रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी चला रहे हैं, ठीक है, फार्मा में भी घुसे हुए हैं। जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है भाई, ठीक है। तो आप एक बात समझो कि अगर कोई कंपनी का कोर बिजनेस ए है, वो बी में घुसेगा,
तो उसको एस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आईटीसी ठीक है, टोबैको कंपनी है, वो टोबैको से लेकर के एफएमसीजी में इंटर कर रही है, आप उसके शेयर प्राइस का अंदाजा लगा सकते हो, जबकि वो एक फुल्ली डेट फ्री कंपनी है और वेल इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उसका गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा है, लेकिन इनके पास ऑनर ड्रिवन कंपनी है। तो आगे का मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। इसके लिए आपको क्या करना है ये आप ही को डिसाइड करना है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, बेल आइकन को तो प्रेस करें और हर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।